अच्छा स्वामी जी, देखिए अब वक्त हो गया है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए, और पहला सवाल मोपरिया सरकार सेन का है। ये तीसरी दफा स्वामी जी उनका ये सवाल शामिल हम कर रहे हैं, शायद उन्हें आराम नहीं मिला, इसलिए आप जरा बेहतर तरीके से उन्हें समझाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई थी और इस वजह से उनके पीरियड के ट्रैक में, पीरियड के रास्ते में जलन रहती है और बहुत इलाज के बाद भी उनको फायदा नहीं मिल पा रहा। तो अब देखो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी है, पेन रहता है, तो एक तो गोखरू का पानी फ्रेश पिया करें। गोखरू का पानी भी रख देते हैं ना, तो उसके अंदर भी जो है वो पूरा अलग अलग प्रकार के कुछ जो है ऐसे दुर्गंध से आने लगती है, तो गोखरू का पानी फ्रेश पीना है एक बार। दूसरा, मिट्टी पट्टी करनी है। ये मिट्टी पट्टी लेट जाओ ब्रह्मचारी, मिट्टी पट्टी डाल रख दो भाई, मिट्टी पट्टी करनी है उनको। मिट्टी पट्टी करने से पूरा ये जो मसाना बोलते हैं जिसको, नाभि पूरी और पेड़ू भाग पूरा, उस पर मिट्टी पट्टी आ जाती है। एक पट्टी माथे पर रख देते हैं तो दोनों शांत हो जाते हैं। फिर उनको जौ का ही आटा, जौ का ही दलिया सेवन करना है। उनको ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी अथवा गोखरू और धनिया, गोखरू और धनिया का पानी पी लें, उबाल करके काढ़ा बना करके ठंडा करके पीना, काढ़ा गर्म गर्म नहीं पीना। और धनिए का उसमें प्रयोग कर लें, सब्जी के अंदर भी प्रयोग कर लें, और अंदर का पूरी तरह से इस विकार से बचने के लिए संतति सुधा और नारी सुधा, ये ऐसे प्रयोग हैं। यदि इनफर्टिलिटी है तो संतति सुधा भी, नहीं तो नारी सुधा का, नारी कांति का ही प्रयोग करते रहें। दशमूल का काढ़ा भी ठंडा करके पीना है तो पीरियड भी ठीक हो जाएंगे, अंदर का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। और मैं हमेशा पांच चीज़ें बताता हूँ अंदर की गर्मी के लिए। शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, ये पीपल का पेड़ इधर ही रहा, शीशम, पीपल, बेल, दूरवा, घास, दूधी घास, इन में से जो उपलब्ध हो जाए उसका सेवन कर लें। किसी को जल जम नहीं मिल जाए तो बात ही क्या, गोंद का तेरा पंसारी क्या मिलता है, रात को भिगो दे एक चम्मच और सुबह तक वो फूल जाएगा, उसको मिक्सी में डाल करके पानी के अंदर, और फिर वो पानी में घुल जाएगा, उसको पी ले, सारी अंदर की गर्मी पित्त खत्म, और फिर भी पित्त खत्म ना हो तो मोती पिष्टी आधे ग्राम पानी से ले ले, सौंफ के पानी से, एलोवेरा के पानी से, तो पूरा इलाज बताया आपके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी पित्त के लिए और यूरिन ट्रैक के इन्फेक्शन के लिए, सबके लिए लंबा बता दिया। अगला विस्तार से उपचार आपने बताया। अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। देवेंद्र का सवाल है, उनकी उम्र 65 साल है, पिछले 5 साल से वेरिकोज वेन्स की समस्या है और शुगर लेवल भी हाई रहता है, तो दोनों बीमारियों का, परेशानियों का उपचार जानना चाह रहे हैं। तो शुगर लेवल हाई रहता है तो एक तो जो मंडूकासन बता रहे थे उसको करें, वेरिकोज वेन्स के लिए तो पैरों को आगे पीछे दबाया, ऐसे ऐसे घुमाया। सभी बेटियां चलो पवन मुक्तासन करो बेटे, पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन करें। और सब बच्चे उत्तान पादासन करो, उत्तान पादासन, लोकासन, फिर सेतु बंधासन, ये लेट करके और बैठ करके, ये मंडूकासन, ये तो डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं। पूरी दुनिया में भ्रांति फैला दी है सब मेडिकल सिस्टम वालों ने, क्या करें। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कुछ भी क्यों नहीं होता। हम कहते हैं भाई बीपी क्यों होता है, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं। पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ हमने काम कर दिया। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद, मधुग्रिट ले, बहुत ज़्यादा अंदर से शरीर कमजोर हो गया, जर्जरित हो गया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले, ये डायबिटिक केयर ले ले, अंदर से कोई कमजोरी नहीं रहेगी, जिनको भी डायबिटीज है। ठीक है स्वामी जी, भाती करते करते मंडूकासन, उत्तान पादासन करते करते यहाँ से पॉइंट भी दबा ले, ये पेन क्रिया आज के लिए रामबाण है। बिल्कुल स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।